नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 जनवरी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार का पहला मिथिला अर्बन हार्ट बनकर हुआ तैयार। अब बिहार में तालाब, सोख्ता और रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना के रखरखाव के लिए बनेगी पॉलिसी। बिहार के 10 वरिष्ठ आईएएस अफसर 18 दिनों के लिए जाएंगे ट्रेनिंग में। बिहार पुलिस में 19,000 बहाली की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी पूरी। आज खेला जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने 54 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने विभिन्न ट्रेड में वर्कमैन के कुल मिलाकर 54 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को रेलिवेंट डिसिप्लिन में क्लास 10th 12th डिप्लोमा BA BSc BCom BBA की डिग्री पास होने के साथ ही रेलिवेंट ट्रेड का सर्टिफिकेट और वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट hindustancopper.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार का पहला मिथिला अर्बन हार्ट बनकर हुआ तैयार। बिहार को उसका पहला मिथिला अर्बन हार्ट मिल चुका है। बता दें कि इस अर्बन हार्ट का निर्माण अररिया संग्राम स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल में किया गया है, जहां मिथिला के हर लोग संस्कृति से जुड़ा सामान और मिथिला का अध्ययन से जुड़ी सभी चीजें मिलेंगी। बता दें कि इसका निर्माण दिल्ली हाट के तर्ज पर किया गया है। यहां आने वाले पर्यटकों को मिथिला व्यंजन से पूर्ण मिथिला की थाली सजी मिलेगी, जिसके लिए विभाग की ओर से अलग अलग दुकानों का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही यहां पर्यटकों को मोटर बोट के माध्यम से नौकायान की सुविधा भी दी जाएगी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे सुचित्रा भट्टाचार्य के बारे में। सुचित्रा भट्टाचार्य का जन्म आज ही के दिन 1950 में हुआ था। एक दशक के भीतर विशेषकर उपन्यास काचर देवल के प्रकाशन के बाद वे बंगाल के प्रमुख लेखकों में से एक बन गई। उनके उपन्यास और लघु कथाओं का हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा, मराठी, गुजराती, पंजाबी और अंग्रेजी जैसी कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। सुचित्रा भट्टाचार्य को कई पुरस्कार मिले, जिसमें 2004 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से भुवन मोहिनी पदक, 1996 में बैंगलोर से नंजन गुड्डू थिरुम्बलम्बा राष्ट्रीय पुरस्कार, दिल्ली से 1997 कथा पुरस्कार, कोलकाता से 2000 में ताराशंकर पुरस्कार, 2001 में कल्याणी से दविंद्रलाल पुरस्कार शामिल है, 2002 में भागलपुर से शरद पुरस्कार, साथ ही भारत निर्माण पुरस्कार, 2004 में साहित्य सेतु पुरस्कार और 2004 में सैलदा नंद स्मृति पुरस्कार और 2015 में दिनेश चंद्र स्मृति पुरस्कार समेत कई पुरस्कार से सम्मानित किए गए। अब बिहार में तालाब, सोख्ता और रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना के रखरखाव के लिए बनेगी पॉलिसी। हाल ही के दिनों में जल जीवन हरियाली के तहत नए विकसित व जीर्णोद्धार के बाद नए सिरे से अस्तित्व में आए तालाब, सार्वजनिक कुआं व सोख्ता जैसे जिन संरचनाओं का निर्माण जिस महकमे की देखरेख में हुआ है, उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदारी संबंधित विभाग के स्तर पर पॉलिसी का निर्माण किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जल जीवन हरियाली के तहत अब तक 11,236 तालाबों, 1.18 लाख चापाकलों के समीप सोख्ता, 34,852 कुओं और 13,672 सरकारी भवनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जीर्णोद्धार किया जा चुका है। बताते चले कि इनके रखरखाव के लिए और मरम्मत के लिए पॉलिसी बनाने को लेकर विभागों को परामर्श दिया गया है। बीते दिन समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार पहुंचे छपरा। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा बिहार के उस जिले में पहुंची जहां 70 से अधिक लोगों की मौत जहरीली शराब से हो गई थी। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के छपरा जिला पहुंचे, जहां उन्होंने दरियापुर के मटिहान पंचायत के भैरोपुर गांव का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने सीएम उद्यम योजना के तहत जूता निर्माण की फैक्ट्री का अवलोकन किया और जीविका दीदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई जगहों पर लोगों का विरोध का भी सामना करना पड़ा, तो वहीं कई जगह मुख्यमंत्री ने सड़क किनारे खड़े लोगों का हालचाल भी जाना। बता दें कि नीतीश कुमार के समाधान यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा का भी कड़ा इंतजाम किया गया था। बिहार के 10 वरिष्ठ आईएएस अफसर 18 दिनों के लिए जाएंगे ट्रेनिंग में। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा पत्र जारी कर बिहार के 10 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को मसूरी में 18 दिनों के अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। बता दें कि जिन 10 अधिकारियों को ट्रेनिंग पर जाना होगा, उनमें स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, खान विभाग के अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह,
श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर, निर्वाचन विभाग के प्रधान सचिव एच आर श्रीनिवास और स्वास्थ्य विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार के नाम शामिल है। बता दें कि ये सभी अधिकारी 10 अप्रैल 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक ट्रेनिंग लेंगे। सिंचाई योजना के तहत किसानों को 90% अनुदान दे रही सरकार, बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। दरअसल बिहार सरकार के द्वारा कृषि के क्षेत्र में पानी के सही इस्तेमाल के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना की शुरुआत चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को सरकार की ओर से 90% की सब्सिडी दी जा रही है। यानी कि अब अगर किसान अपने खेत में ड्रिप स्प्रिंकलर और रेन गन सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो वे सिर्फ 10% भुगतान कर ये काम करवा सकते हैं। इस योजना से किसानों का 90% पैसा और खेती में 60% पानी की बचत होगी। जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वे बिहार बागवानी निदेशालय के ऑफिशियल पोर्टल horticulture.bihar.government.in या pmksy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार पुलिस में 19,000 बहाली की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी पूरी। वैसे युवा जो बिहार पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं यह खबर उनके लिए है। बता दें कि कैबिनेट की मंजूरी दिए जाने के बाद 2 चरणों में बिहार में डायल 112 यानी ERSS इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के दूसरे चरण में 19,000 पदों पर बहाली होने वाली है। हालांकि अब तक इसको लेकर वित्त विभाग समेत अन्य विभागों से अंतिम रूप से मुहर नहीं लगाई गई है, लेकिन मुहर लगाए जाने के बाद इससे संबंधित अधिसूचना सरकार की ओर से जारी कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहला मौका जब ERSS में बाइक को भी शामिल किया गया है। भारत नेपाल सीमा पर भंसार सेवा की हुई शुरुआत। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी व विशेष अतिथि राज्यसभा सतीश चंद्र दुबे के द्वारा बीते दिन भारत और नेपाल के बीच वाल्मीकि नगर सीमा से लैंड कस्टम स्टेशन यानी भंसार की सुविधा का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। बता दें कि भंसार की स्थापना होने से कारोबारियों का कारोबार बढ़ेगा, इससे न केवल नेपाल को बल्कि भारत को भी लाभ मिलने वाला है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इसकी शुरुआत होने से दोनों देशों के बीच सदियों से चल रही रोटी और बेटी के को मजबूती मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि वाल्मीकि नगर का यह 12वां कस्टम स्टेशन होगा। मालूम हो कि भंसार सेवा की शुरुआत होने से भारत नेपाल के बीच वस्तुओं के आयात निर्यात की राह आसान हो जाएगी। राज्य के कई शहरों में शीतलहर जारी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य में कोल्ड डे की स्थिति बने रहने की संभावना है। पटना मौसम विज्ञान विभाग ने सुपौल, भागलपुर के सबौर और मोतिहारी में ठंड की स्थिति गंभीर बताई है। वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी प्रचंड ठंड होने की बात कही है। बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अभी राज्य के लोगों को सर्दी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों में हो रही बर्फबारी ने कनकनी बढ़ा दी है। पटरी पर लौटेगा विश्वविद्यालयों का लड़खड़ाया शैक्षणिक सत्र। सरकार की ओर से विश्वविद्यालयों का लड़खड़ाया शैक्षणिक सत्र पटरी पर लाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइन का पालन करने के प्रति कुलपतियों को आगाह किया है और शैक्षणिक सत्र को नियमित करने के लिए 8 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो इसी माह कुलपतियों को सुझाव भी देगी। बता दें कि राज्यपाल सचिवालय के द्वारा सभी कुलपतियों को साफ तौर से कहा गया है कि 15 जनवरी के बाद विलंबित शैक्षणिक सत्र की परीक्षाएं और परीक्षा फल देने का एक कैलेंडर तैयार करवाकर उपलब्ध करवाया जाए। इसमें जो विश्वविद्यालय कोताही बरतेंगे उन संस्थानों को UGC अनुदान मिलने से मुश्किल बढ़ जाएगी। छपरा शराब कांड की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने पर SC का विचार करने से इनकार। छपरा जहरीली शराब कांड से हुई त्रासदी को लेकर स्वतंत्र एजेंसी और SIT के द्वारा जांच करवाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की इजाजत दे दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छपरा में जहरीली शराब पीने से 73 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि सरकारी आंकड़ा के अनुसार मरने वालों की संख्या 40 बताई जा रही है। वहीं अब तक इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा मुख्य आरोपी कर्ता समेत तस्करी करने वाले 150 से ज्यादा धंधेबाजों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मोतिहारी में राम जानकी मंदिर से अष्ट धातु की मूर्ति हुई चोरी। बिहार में आए दिन चोरी से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। इसी कड़ी में ताजा मामला बिहार के मोतिहारी का है, जहां मोतिहारी के सुगौल थाना क्षेत्र के उत्तरी मनसिघा पंचायत के खोड़ा गांव से अज्ञात चोरों के द्वारा 64 साल पुरानी राम जानकी मंदिर से सीता और लक्ष्मण जी का अष्ट धातु की मूर्ति चोरी कर ली गई है। इस घटना की जानकारी तब मिली जब मंदिर का पुजारी सुबह उठकर पूजा करने के लिए साफ सफाई करने गया, जिसके बाद इसकी सूचना पंचायत को दी गई और फिर पंचायत के द्वारा इस घटना की जानकारी सुगौली पुलिस को दे दी गई है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से लक्ष्मण जी का मुकुट गिरा हुआ मिला। फिलहाल अभी चोरों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर छापेमारी की जा रही है।
बिहार की बेटी आरोही ने जीता राष्ट्रीय पुरस्कार। बिहार की बेटी आरोही सिंह ने भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव में अपने राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने इस प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार जीता। उन्हें यह पुरस्कार उड़ीसा के भुवनेश्वर रीजनल इंस्टीट्यूट में देश के केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने द्वारा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरोही केंद्रीय विद्यालय खगौल में 9वीं क्लास में पढ़ती है। वह इस पुरस्कार को हासिल करने पर आरोही का कहना है कि उन्होंने यह पुरस्कार अपने शिक्षक के बदौलत हासिल की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें सभी राज्यों से 20-20 बच्चे बतौर प्रतिभागी पहुंचे थे। 19 साल बाद गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा एक साथ। इस बार गणतंत्र दिवस व ज्ञान पर्व सरस्वती पूजा एक ही दिन मनाई जाएगी। बता दें कि ऐसा 19 वर्षों के बाद हो रहा है। इस दिन सर्वप्रथम देश की आन बान और शान राष्ट्र ध्वज तिरंगा को सलामी दी जाएगी। वहीं इसके बाद ज्ञान बुद्धि और विद्या की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती की आराधना की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पूर्व वर्ष 2004, 1985 और 1966 में एक साथ मनाया गया था। इसी तरह इस वर्ष भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस सरस्वती पूजा एक साथ मनाए जाएंगे। वहीं गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा को लेकर लोगों के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। सीबीएसई 12वीं के मैथ प्रश्न पत्र के पैटर्न में हुआ बदलाव। सीबीएसई के द्वारा 12वीं कक्षा के मैथ के प्रश्न पत्र में बदलाव कर दिया गया है, जिसके बाद अब छात्रों को काफी राहत मिलने वाली है। बता दें कि इस बदलाव के बाद छात्रों को मैथ के प्रश्न पत्र में लघु, दीर्घ और केस स्टडी के 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं लघु उत्तरीय में 5, दीर्घ उत्तरीय में 2 सवाल और केस स्टडी में 3 प्रश्नों में से 2 का विकल्प चयन करना होगा। इससे अब अगर छात्र को कोई सवाल नहीं आता होगा तो वह विकल्प वाले दूसरे सवाल का उत्तर दे सकते हैं। इसके साथ इस बदलाव में अब MCQ वाले प्रश्नों को भी बढ़ाकर 10 से 18 कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन से CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा की शुरुआत हो गई है, जो 14 फरवरी तक खत्म हो जाएंगे। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे जमुई के बारे में। जमुई जिला बिहार के जमुई जिला का मुख्यालय है। यह जैनों के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। प्राचीन समय में इस जगह को जुम्भी कगड़ाम और जम्बू बानी के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से यह स्थान काफी महत्वपूर्ण रहा है। सेंट थॉमस चर्च, गुरुद्वारा, पक्की संगत, मिंटो टावर, जैन मंदिर, धर्मशाला, चंद्रशेखर संग्रहालय और काली मंदिर आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस जिले की स्थापना गुप्त, पाल और चंदे शासकों ने की थी। जमुई का सबसे प्रसिद्ध काव्य महाभारत से भी जोड़ा जाता है। कोटा में बिहार के विद्यार्थियों की संख्या जानकर चौंक गए वित्त मंत्री। इंजीनियरिंग और मेडिकल में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों में बिहारी बच्चों की संख्या में कोई भी कमी नहीं है। इस बात की जानकारी तब मिली जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कोटा पहुंची। इस दौरान उन्होंने वहां के बच्चों से संवाद किया। वहीं जब उन्होंने उस कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों से सवाल पूछा कि यहां मौजूद कितने बच्चे बिहार से ताल्लुक रखते हैं, तो सामने से आई प्रतिक्रिया ने उन्हें चौंका कर रख दिया। दरअसल जब निर्मला सीतारमन के द्वारा महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों का नाम लेते हुए वहां से ताल्लुक रखने वाले बच्चों के बारे में पूछा गया तो इक्के दुक्के बच्चों ने ही हाथ ऊपर किया। वहीं जब बिहार की बारी आई तो एक सुर में करीब 3/4 बच्चों ने एक साथ अपना हाथ ऊपर उठा लिया और एक ही सुर में यस बोले, जिसके बाद वित्त मंत्री चौंक गई और अपना हाथ मुंह पर रख लिया। सीएम बनने की बात पर तेजस्वी यादव ने ऐसे दी प्रतिक्रिया। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समाधान यात्रा के दौरान सारण पहुंचे। इसी दौरान जब तेजस्वी यादव के खरमास के बाद बिहार की राजनीतिक परिस्थिति को लेकर सवाल पूछा गया तो वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए और मंत्री विजय चौधरी के साथ जोर से हंसने लगे और कहा कि आप सबको यह जानकारी कहां से मिलती है। दरअसल उनसे जो सवाल पूछा गया था वह इस साल मुख्यमंत्री बनने की संभावना पर था। इसके साथ ही उन्होंने सुधाकर सिंह के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि महागठबंधन पर सवाल उठाने वाले लोगों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव नियम सम्मत कार्रवाई करेंगे। इस पर बोलने का हक सिर्फ मुझे और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का है और अगर कोई भी या खुद सुधाकर सिंह भी महागठबंधन पर गलत बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ पार्टी की ओर से कार्रवाई जरूर की जाएगी। आरजेडी के एक और विधायक ने उठाया सीएम नीतीश कुमार पर सवाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सुधाकर सिंह के बाद एक और राजद के विधायक के द्वारा सवाल उठा दिया गया है। बता दें कि विधानसभा की कमेटी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे राजद विधायक विजय कुमार मंडल ने कहा कि सीएम नीतीश की सरकार को यूपीए सरकार और पूर्व की केंद्र सरकार के मंत्री रघुवंश सिंह के कामों का फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि पिछले 17 साल से बिहार का क्या विकास हुआ है ये सभी जानते हैं। अब अगर वे समाधान यात्रा पर लोगों का समाधान करने निकले हैं तो कितना समाधान कर पाते हैं या आने वाले समय में ही बताया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास न होने के पीछे आरजेडी का हाथ भी है।
सुधाकर सिंह के बयानबाजी पर बोले वशिष्ठ नारायण। जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के द्वारा नीतीश कुमार को लेकर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो इस तरह की बयानबाजी करता है वह केवल एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इससे लोगों के बीच अच्छा संदेश नहीं जा रहा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा इस तरह की बयानबाजी पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जल्द ही ऐसी बयानबाजी पर नियंत्रण पाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन अच्छे ढंग से काम कर रही है, इसलिए केवल एक दो लोगों के द्वारा कुछ गलत बोले जाने से गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। आज खेला जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए T20 सीरीज में भारत ने 2-1 से सीरीज जीत ली, तो वहीं अब आज से भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है। सीरीज से भारतीय टीम अपने मिशन वर्ल्ड कप के तैयारियों को शुरू करने जा रही है। बता दें कि वनडे सीरीज में भारतीय टीम का कप्तान रोहित शर्मा होंगे, जबकि उप कप्तान के रूप में हार्दिक पांड्या। इसके साथ इस सीरीज में रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हो रही है। मालूम हो कि सीरीज का पहला मुकाबला आज 1:30 बजे से खेला जाना है। वहीं गुवाहाटी के बारसपाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज का तीनों मुकाबला 10 से 15 जनवरी तक अलग अलग शहरों में खेला जाएगा, जिसमें कुल 3 मुकाबले होंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारतीय चाय 1839 में इंग्लैंड पहुंची। भारत सरकार ने 1963 में स्वर्ण नियंत्रण योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 14 कैरेट से अधिक के गहनों पर पाबंदी लगा दी गई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 से 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। कार निर्माण की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने 1,00,000 रुपए वाली कार नैनो को 2008 में पेश किया। अशोक कजारिया ने PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का वरिष्ठ अध्यक्ष पद 2009 में संभाला। 1886 में भारत के शिक्षाविद, अर्थशास्त्री एवं न्यायविद जॉन मथाई का जन्म। 1894 में कवि एवं लेखक पी लक्ष्मी कांतम का जन्म। 1908 में हिंदी के निबंधकार और साहित्यकार पद्म नारायण राय का जन्म। 1939 में फिल्म निर्माता अल्लू अरविंद का जन्म। 1974 में भारतीय अभिनेता ऋतिक रोशन का जन्म। 1933 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पंजाबी साहित्यकार गुरु दयाल सिंह का जन्म। पायलखबर में आज हम बात करेंगे भीम UPI ऐप के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भीम UPI ऐप के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि क्या भीम UPI ऐप का अब एक आधिकारिक WhatsApp चैनल है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि हाँ, भीम UPI ऐप का अब एक आधिकारिक WhatsApp चैनल है। नवीनतम सुविधाओं और ऑफर के साथ अपडेट रहने के लिए इस नंबर पर हाई थे। व्हाट्सएप जल्द ही डिलीट फॉर एवरीवन के फीचर में करेगा यह बदलाव। व्हाट्सएप जल्द ही डिलीट फॉर एवरीवन के फीचर में नया बदलाव करने वाला है, जिसके तहत डिलीट फॉर एवरीवन किए गए मैसेज को भी पढ़ा जा सकता है। बता दें कि इस पर कंपनी के द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही के दिनों में मैसेजिंग ऐप को एक नए कैप्ट मैसेज फीचर का टेस्ट करते हुए देखा गया है, जो यूजर्स को गायब होने वाले मैसेज को सेव करने की अनुमति देता है। फोन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि यह फीचर जल्द ही बीटा टेस्टर के लिए लाइव कर दिया जाएगा। फीचर आने के बाद ये आपके पर निर्भर करता है कि आप उन मैसेज को रखना चाहते हैं या नहीं। यदि आप उन मैसेज को नहीं रखना चाहते तो आप अनकीप कर सकते हैं, जिससे चैट हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अंबिका कर्ण, के सिन्हा, अभिषेक कुमार रॉय, अर्सफी मंडल, विकास दास, रेणु देवी, रंजीत मिश्रा, वेद प्रकाश सिंह, अर्जुन सिंह, नन्नू गोलू कुमार, रविन्द्र पासवान, राजकिशोर सिंह, जय शर्मा, रविशंकर, कुलदीप कुमार, ऋषि कुमार, आरके। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, T20 सीरीज की तरह क्या भारतीय टीम वनडे सीरीज में भी श्रीलंका को मात दे पाएगी या नहीं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।